यो गाइस, हाउ आर यू, क्या हालचाल, कैसे आप सब लोग। तो मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिकल मेडिसिन चैनल पे। हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज के वीक की शुरुआत हम लोग किससे कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम से। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की करैक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं। यो यो यो, हाउ आर यू गाइस, क्या हालचाल। सो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की करैक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन वाकई में आप लोगों को इन पे अपनी पकड़ बनानी है और तभी इनके क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो फटाफट से आज के पर्टिकुलर सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन राइट नाउ, राइट अवे। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लेट्स गो फॉर इट देन। ओके, शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम को। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के टाइप कितने होते हैं। तो आप सब लोग कॉपी लोगे, पेन लोगे और मेरे साथ बैठ के लिखोगे इसको, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, ओके। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सबको पता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इक्वल, और ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद कोई भी, अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ना तो रिएक्टेंट और ना ही प्रोडक्ट, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेंज नहीं होता। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन में पैदा हो जाती है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तो दो तरह के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। थोड़ा और इलैबोरेट करके बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक तो होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ फिजिकली स्टेट में चेंज आता है, ओके, और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट से कुछ नया प्रोडक्ट भी बनता है। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम में एग्जांपल देता हूं जिससे और ज्यादा समझ में आएगा, यू वांट टू नो दैट। सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में दो तरह के इक्विलिब्रियम, एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके। इसको और थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो सिंपल एग्जांपल है कौन सा, आइस से वाटर का बनना, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। जरा आप इसको ध्यान से देख लो, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अब यहां पर आप गौर से देखो, है तो ये भी H2O, ये भी H2O, लेकिन स्टेट अलग है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और यहां पर सॉलिड टू लिक्विड, आइस और वाटर के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिसके बाद क्वांटिटी चेंज होना बंद हो जाती हैं, उसी को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहां पर फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत ही क्लियर है। अभी केमिकल फॉर्मूला, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का सेम है, लेकिन फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है, इसी को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर किसी को यहां पे कुछ सवाल पूछना है तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। कैसे मरे मरे हैं सब लोग, धीरे धीरे से चैट आ रहे हैं, क्या हुआ। सुमित गुंजन, सबको सुमित गुंजन, दिलीप कोल, रंजन शिप्रा, रवीना, प्रमोद कुमार, रवीना, खुशी और स्टडी मेट, सबको समझ में आया क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। चलो तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं ना। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब वहां पर कुछ नया कंपाउंड भी देखने को मिलेगा आपको। सो वो दो तरह के होते हैं, जरा आप चेक करो। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक होता है मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, जरा आप चेक करना, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि PCl5 इज गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2। सो यहां पर आपको जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, क्या इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको। PCl5 एक मॉलिक्यूल है, PCl3 भी एक मॉलिक्यूल है, Cl2 भी एक मॉलिक्यूल है, तीनों गैसेस हैं और ये आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। मजे की बात है कि PCl5, PCl3, PCl और Cl2 जो आपको दे रखा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स दिख रहे हैं। सो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर आ जाए, मतलब PCl5 और Cl3 और PCl3 एंड Cl2 किसी का भी आपको यहां पर चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरा इक्विलिब्रियम, एक होता है मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम और एक होता है हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, नो डाउट, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम। सो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं, आयंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें CH3CWH, आपको सबको पता है कि ये एक वीक एसिड है, जब ये टूटेगा तो ये H+ देगा और CH3CW- यानी कि एसिटेट आयन देगा। सो इन दैट केस इसके जो रिस्पेक्टिव आयंस हैं और ये जो खुद मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है उसको हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाय द वे, मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ का लिंक
हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होता है। आजकल तो ऐसा है ही नहीं कि आपको ना मिले। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक गिवन है, जिसको फटाफट से आप डाउनलोड कर सकते हो। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारी स्लाइड आपको उसको में मिल जाएंगी, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। सबको समझ में आ गया? सो जरा आप चेक करो, यहां पर फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आपको समझ में आना चाहिए। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, कंपाउंड का फॉर्मूला वही रहता है, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। इफ यू टॉक अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वो दो तरह का होता है, एक मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम जिसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें मॉलिक्यूल के आयंस और मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं आगे। सबको क्लियर है? सो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास एग्जांपल? अब यहां से जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं। नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल ले रहे हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल तो हमने देख लिया था, केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल को थोड़ा इलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां से हमको चीजें समझनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं? जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है कि वाकई में वो एग्जांपल स्पेसिफिक है और वो इस चैप्टर में बार बार काम आएगा। ये हैबर्स प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के थ्रू आप अमोनिया बनाते हो। ओके, सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के थ्रू जब आप अमोनिया बनाते हो, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें अमोनिया दोबारा से डीकंपोज होकर आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दे सकती है, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड में भी जा सकती है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को जरा ध्यान से देखते हैं। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये क्या कर रही है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिवर्स रिएक्शन, अगर अपोजिट रिएक्शन की बात करें, उल्टा रिएक्शन कौन सा है, जिसमें अमोनिया वापस से डीकंपोज होके, जरा देखो, अमोनिया वापस से डीकंपोज होके आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा है, जिसको हम लोग रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। सो ये छोटी मोटी फंडामेंटल चीजें, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको फॉरवर्ड और रिवर्स का सेंस ही पता नहीं होता, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, फॉरवर्ड का मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे और रिवर्स का मतलब जब प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट वापस दे दे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया यहां तक, या कोई डाउट है? अब इसको हम लोगों को ध्यान से देखना, क्योंकि हमें एक्चुअली यहां पर करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और ये भी समझ में नहीं आया, नो डाउट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत आसान है, दिस इज रियली वेरी सिंपल। ओके, सो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, रिवर्स रिएक्शन हो गया, और इस तरह से इसको आपको देखना है। अब हम चलते हैं आगे, अगला क्या है, अब हम देखेंगे इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस चेक करेंगे। ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को चेक करते हैं कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दो केमिकल रिएक्शंस हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को जो आपने अभी देखी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सिबली गिविंग यू अमोनिया। ओके, सो अगर इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान लगाना होगा कि एक्चुअल में कहता क्या है आपसे। ये कहता है, शुरू में आप लोग बताओ, सबसे पहले इधर आपको रिएक्टेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये है रिएक्टेंट, और इनिशियली आप रिएक्टेंट लेते हो, आपके पास रिएक्शन करवाने के लिए, अगर आपने ये कंटेनर लिया है रिएक्शन करवाने के लिए, इसमें आपको दो गैसेस लेनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आप क्या करोगे, अगर आपको अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है तो आप पहले रिएक्टेंट लोगे, तो इनिशियली आपको रिएक्टेंट की कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है, येस और नो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपको इनिशियली कुछ दिख रही है, येस और नो। फाइनली ये आपस में रिएक्ट करके आपको क्या देंगे, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो पैदा होना शुरू होगी अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनिशियली आपके पास नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, लेकिन इनिशियली अमोनिया तो नहीं होगा, अमोनिया तो धीरे धीरे पैदा होगा। आ रहा है समझ में? जैसे ही एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, या तीन जो भी बैलेंस करने पर तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो दो मॉलिक्यूल अमोनिया बनेगी। तो इनिशियली आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है लेकिन अमोनिया नहीं है। सो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? सो बस वही चीज हमको यहां पर सीखनी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए ग्राफ प्लॉट करने से पहले। ओके, सो चलो मैं आपको यहां पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाता हूं, छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को ध्यान से समझनी है। सबसे पहले तो आप देखो, नाइट्रोजन
थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके पास पहले से प्रेजेंट है। कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट है, वही पॉइंट आप बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी लगाओगे, और ये पॉइंट के थ्रू आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने हैं। अब मैं एक एक पॉइंट को यहां पर इलैबोरेट करके आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि एक एक पॉइंट का मतलब क्या है। जब आप वो पॉइंट के मतलब सीख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। ओके, सो चलो सबसे पहले तो आप जरा चेक करो, ध्यान से इसको समझना सब लोग। सबसे पहला पॉइंट, क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज मैक्सिमम। यही बात मैंने आपको बोली थी। आप इनिशियली क्या करोगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि आपके रिएक्टेंट हैं, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, मैक्स होगी। रिएक्टेंट है, ये नहीं लोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? सबको समझ में आया क्या? रिएक्टेंट नहीं लोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो पहला पॉइंट ये हो गया। एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज जीरो। अरे प्रोडक्ट अभी तक तो रिएक्टेंट लिए है, प्रोडक्ट कहां से आ जाएगा उसमें, रिएक्शन तो शुरू ही नहीं हुआ है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज जीरो, बट नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो अमोनिया को जीरो दिखाओगे। नाउ दिस इज अमोनिया, दिस इज पॉइंट फॉर अमोनिया, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप मैक्स पे दिखाओगे, जो भी आपने क्वांटिटी लिया है। आया सबको समझ में? जो भी आपने क्वांटिटी लिया है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्राफ यहां से शुरू होगा और अमोनिया ग्राफ यहां से शुरू होगा। तो पहली पॉइंट तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि इनकी क्वांटिटी मैक्स है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और इसकी क्वांटिटी जीरो है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो बना ही नहीं है अभी तक। तो यहां से अमोनिया ग्राफ शुरू, अमोनिया धीरे धीरे बनना शुरू होगा और आपके रिएक्टेंट धीरे धीरे घटने शुरू होंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से चलेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज एज अ रिएक्शन स्टार्ट। जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यह सिंपल सा पॉइंट है, दिमाग लगाना है, ग्राफ तभी बनेगा आपसे। फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट ये है, द रिएक्शन प्रोसीड टिल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। रिएक्शन तब तक चलते रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। मतलब है इसका भाई, रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा सकती है और फॉरवर्ड में जो प्रोडक्ट बनेंगे तो वो रिवर्स में भी आ सकती है। जब तक ये सिचुएशन ऐसे नहीं हो जाए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए, उसके बाद तो सब कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन का वेट करेगी, तब तक आपकी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी। तो थर्ड पॉइंट यही है आपका, द रिएक्शन प्रोसीड टिल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक आपकी केमिकल रिएक्शन चलते रहेगी। आया समझ में? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर चार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डिक्रीज एज द रिएक्शन स्टार्ट। ऑब्वियसली यार, ये क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है। जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी इनकी कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे ये घटेगा और अमोनिया बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये एस्टैब्लिश कैसे होता है, आकांक्षा ने सवाल पूछा, मैं उसका आपको जवाब देता हूं थोड़ी देर में। आप जरा इसको पहले ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ी देर में जवाब देता हूं इसी पॉइंट के से कि एस्टैब्लिश कैसे होता है, आई टेल यू। बट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट क्या है? सेम चीजें जो मैंने अभी फॉरवर्ड के लिए बोली वही रिवर्स के लिए काम करेंगी। अब होता कैसे जरा आप चेक करो, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि ये एस्टैब्लिश कैसे होता है। तो देखो, मैं अभी इसको हटा रहा हूं, ये पॉइंट के थ्रू हम लोग अभी ग्राफ बनाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, ओके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एस्टैब्लिश कैसे होता है वो मैं थोड़ा आइडिया देता हूं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारे पास, देखो रिएक्शन क्या है, पहले उसको चेक कर लो। नाइट्रोजन प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया, यही रिएक्शन है। अब यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होंगे, अमोनिया तो होगा नहीं इनिशियली। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास नाइट्रोजन के
मान लेते हैं हमारे पास नाइट्रोजन के 5 मॉलिक्यूल हैं, सही है। हाइड्रोजन के हमारे पास मान लेते हैं 15 मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। इसके 5 है, उसके 15 है। अमोनिया के कितने हैं? इनिशियली 0, सही है। अब अगर आपको रिएक्शन शुरू कराओगे तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब नाइट्रोजन को तो सिर्फ 1 चाहिए और हाइड्रोजन के 3 चाहिए, जिससे अमोनिया के 2 बनेंगे। तो आप नई सिचुएशन पैदा करो, दिमाग लगाओ, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, दिमाग लगाओ तो सबके आंसर मिलते हैं। अब नाइट्रोजन के आपने 1 लगा दिया तो पीछे कितने बचे? अब 4। हाइड्रोजन के आपने 3 लगा दिए तो पीछे कितने बचे? 15 में से 3 घटा दो तो 12। और अमोनिया के अब कितने हैं आपके पास? जरा आप चेक करो, अमोनिया के अब आपके पास 2 हैं, पैदा हो गया अमोनिया। लेकिन अभी भी आप देखो, नाइट्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है, अमोनिया तो अभी भी 2 ही है। तो यहां पर लागू होता है मास एक्शन लो। अरे आप रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो आप खुद से बताओ यहां पर कौन ज्यादा है रिएक्टेंट? ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? ये रिएक्टेंट है। ये कौन है? ये प्रोडक्ट है। किसकी क्वांटिटी अभी ज्यादा दिख रही है? रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की क्वांटिटी अभी भी कम है, 2 ही है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड से भागेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फॉरवर्ड में ही भागेगी, क्योंकि अमोनिया भी बन चुका है तो रिवर्स में भी आएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले के मुकाबले स्पीड कम हो जाएगी। यहां पर स्पीड बहुत ज्यादा होगी फॉरवर्ड जाने की। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, दिमाग लगाओ। यहां पर स्पीड ज्यादा होगी अमोनिया बनने की। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाएगा, आपकी फॉरवर्ड की रेट कम होती जाएगी और रिवर्स की रेट बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड और रिवर्स की रेट बराबर हो जाएगी। जब वो बराबर हो जाएगी तो आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे ना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते कि अपने को क्या करना है। अपन तो सवाल पूछ लेते टाइप करके। अगर यही सवाल वो अपने आप से पूछते तो आप भी इसका जवाब दे सकते थे कि क्या हो रहा है। अब आप देखो, यहां पर आपका प्रोडक्ट पैदा हो गया लेकिन अभी भी कम है। ये रिवर्स में जाके आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लो, रेट ऑफ रिएक्शन सीधे सीधे रिएक्टेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा। तो अभी भी आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बैकवर्ड। जब एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए, कब होगी? जब कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की भी हैवी हो जाएगी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया के मुकाबले बराबर सी दिखने लगेगी। उस टाइम पे रेट बराबर हो जाएगी। जब मुकाबला बराबर हो जाएगा तो रेट भी बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, सिंपल। सो यहां पर इस तरह से सिंपली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और धीरे धीरे होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की अभी क्वांटिटी कितनी है। सबको समझ में आ गया? इस वे से वो पैदा होता है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। किस किस को समझ में आ गया कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कैसे होता है? अब यही एग्जांपल आप ले लो ना अपने दिमाग से। थोड़ी देर में फिर से यहां पर एक मॉलिक्यूल जाएगा, इसके 3 जाएंगे, तो पीछे आपके पास नाइट्रोजन के कितने बचेंगे? 3। हाइड्रोजन के कितने बचेंगे आपके पास? 12 में से 3 घटा दो, 9। अमोनिया के कितने हो जाएंगे? 4। अब आप देखो, धीरे धीरे अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ रही है जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक के मुकाबले बराबर सी हो जाएगी। उस टाइम पे मतलब एक दूसरे को टक्कर देने लायक हो जाएंगे, तब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएगी। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का तरीका क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये मतलब निकलता है। सबको समझ में आ गया क्या? गौचा गौचा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, दैट्स रियली कूल। पता है बेसिक्स ही बच्चे छोड़ देते हैं, अगर जब तक आप बेसिक्स नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। अब समबड़ी सेइंग, पीयूष कह रहा है अगर एटलीस्ट ले ले तो आप एक बात बताओ। मैं जवाब तो मैं दे दूंगा, उसका कोई वो नहीं है। कैटलिस्ट डालने से क्या फर्क पड़ता है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन कैटलिस्ट जब डालते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों की स्पीड बढ़ती, किसी एक की स्पीड नहीं बढ़ती है। इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन आपका जो पॉइंट होगा ना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का वो वही होगा। अरे आप कैटलिस्ट डालोगे तो क्या सिर्फ एक ही चीज को अफेक्ट करेगा? कैटलिस्ट का मतलब होता है चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों की स्पीड को बढ़ाएगा ना वो।
सो ये मतलब निकलता है इसका। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा भी कैटलिस्ट डालने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो ये पॉइंट हो गए, तो चलो अब अपन ग्राफ बनाते हैं। इसी का ग्राफ बनाओ फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। तो शुरू में हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, तो ग्राफ कैसे बनेगा जरा आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करना। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ अमोनिया, कैसे होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां से एक्चुअल में आपका शुरू होता है इक्विलिब्रियम, जिसने इसको सीख लिया उसके लिए यहां से काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या लेना है, सबसे पहले आपको यहां लेना है रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पर क्या लेना है आपको समय टाइम। अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे आपको मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि फॉरवर्ड में हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले रखा है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। यस, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन यहां से शुरू हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। यह मैंने पहले ही कहा था आपसे यार, जितना ज्यादा माल डालोगे उतनी जल्दी आपकी रिएक्शन होगी, समझे हो। दिवाली में पटाखे बजाए हो कि नहीं बजाए हो, जितना ज्यादा बारूद होगा उतनी जल्दी आग लगती है और तेज धमाका होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया तो उसकी केमिकल रिएक्शन की रेट भी उतनी ज्यादा होगी। अमोनिया कितना है, जीरो, तो रिवर्स का रेट कितना होगा, जीरो। तो ये फॉरवर्ड का रेट यहां से शुरू हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन यहां से शुरू हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके पास है। रेट ऑफ रिवर्स यहां से शुरू हो रही है क्योंकि अमोनिया है ही नहीं हमारे पास, अमोनिया जीरो है तो अमोनिया की रेट यहां से शुरू हो रही है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की यहां से शुरू हो रही है। अब ये यहां से घटेगा और ये यहां से बढ़ना शुरू होगा जैसे अमोनिया बढ़ेगा। अमोनिया जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहां से बढ़ेगी, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे जैसे घटेगा ये यहां से घटना शुरू हो जाएगा। ओके, तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। ये देखो धीरे धीरे, ये देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन धीरे धीरे घट रहा है। Yes, नाइट्रोजन हाइड्रोजन धीरे धीरे कंज्यूम होगा, अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। देखो धीरे धीरे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जैसे जैसे आपके पास क्वांटिटी घट रहा है ये रेट ऑफ रिएक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। मैं आपको बता देता हूं ये खास चीज है, ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पर और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पर। जैसे जैसे घटेगी रेट ऑफ फॉरवर्ड घटेगी, रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया। जैसे जैसे अमोनिया का क्वांटिटी बढ़ेगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। इतनी सी कहानी आपको दिमाग में रखनी है बस। सो फाइनली ग्राफ कैसे बनता है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड जो धीरे धीरे उसकी रेट घटने लगेगी। अब आते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड पे। अब आप जरा ध्यान से देखना रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड जैसे जैसे अमोनिया बढ़ेगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोबारा समझाऊं या समझ में आ गया, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे घट रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ रही है। और वो घट क्यों रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी घट रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों की रेट सेम हो जाएगी। यही वो ग्रीन कलर का पॉइंट है, इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। सो यहां पर आ गया है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मजे की बात, जरूरी नहीं है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मिड पे ही आए, वो आगे भी हो सकता है, वो पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन कैसी है। लेकिन ओवरऑल इक्विलिब्रियम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, जिसमें एक वक्त ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी। दिस पॉइंट, फोकस ऑन दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आप जरा चेक कर लो, यही वो पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो गए और आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। नाउ इक्विलिब्रियम यहां पर स्टैब्लिश हो गया, यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या यह हार्ड है, क्या आपको लगता है कि ये हार्ड है, ग्राफ हमसे याद नहीं होगा क्या, ये हमको ऐसा लगता है कि ये कभी समझ में नहीं आने वाला? किस किस को लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी शुरू होने वाला है परसों से, चिंता मत करो, अभी इस पे फोकस करो। सबको समझ में आ गया, इजी है? हाँ, तो बस इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपने समझ भी लिया है। अब यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, सो फाइनली इसी पॉइंट को, ग्रीन पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है और ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे, इसी को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब तो पहले ही दे चुका हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं। इज इट नेसेसरी दैट द कर्व शुड मीट एट अ मिड पॉइंट? क्या ये नेसेसरी है कि ये पॉइंट जो आपको एस्टैब्लिश हुआ है इक्विलिब्रियम का वो मिड पॉइंट होगा? जरूरी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन की स्पीड पे। ओके, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब एक ग्राफ कैसे बनेगा, एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप फिर से चेक कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप सिर्फ इतना दिमाग लगाओ, इनिशियली हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, क्या हमारे पास अमोनिया है? नहीं। तो एक्चुअल में शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड की ही ज्यादा होगी, यहां से आगे की तरफ ही बढ़ोगे आप और यहां से अमोनिया ही बनाओगे आप। लेकिन जैसे जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्वांटिटी घटती जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटता जाएगा। तो मान लो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे ये घटेगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि अमोनिया था ही नहीं, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि अमोनिया था ही नहीं शुरू में, तो जीरो। धीरे धीरे जैसे जैसे अमोनिया बनेगा ये बढ़ेगा ऊपर। एक वक्त ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएगा। यही वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। इतनी सी बात है, फिर भी कई बच्चे समझते हैं कि पता नहीं क्या है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो फाइनली इसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। यही वो टाइम है जिसको इक्विलिब्रियम टाइम भी कहा जाता है। इतना सा पॉइंट है और ये पॉइंट कहीं भी एस्टैब्लिश हो सकता है, डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ओके, सो फाइनली हमने कर लिया, हो गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर है सब लोगों को, सबको ग्राफ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, yes, अब हम देखेंगे the characteristics of chemical equilibrium। तो जितना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा है उसके हिसाब से हम लोग यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद characteristics चेक करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम की characteristics होती हैं तो होती क्या है, अपने बेसिक्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है? क्योंकि बेसिक अच्छे से करने के बाद आपको चीजें और क्लियर होंगी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उससे आपको और समझ में आएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है? सो चलो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो पहली पॉइंट है उसको आप जरा चेक करो। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको आप जरा चेक करो, क्या लिखा है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमको पता है कि रिएक्टेंट से रिवर्सिबली प्रोडक्ट बनता है, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। उसका पहला पॉइंट आप जरा पढ़िए कि क्या लिखा है, एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट। क्या इसके लिए आपको लाल रंग का चड्डी चाहिए समझने के लिए? क्या ये आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ सकता? आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है, यस। तो इन दैट केस आप खुद ही सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या कभी पॉसिबल है कि रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाए? नहीं। क्या कभी पॉसिबल है रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाए? नहीं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी दे रहा है। इन दैट केस आपके पास एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका एंड कब आएगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, जब एंड पॉइंट आएगा तो आपके पास उसके अंदर रिएक्टेंट भी मिलेगा, प्रोडक्ट भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की खास बात यह होती है कि आपके पास उस कंटेनर के अंदर जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे। यही पॉइंट तो लिखा है, दिस इज रियली वेरी सिंपल, एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो पहला वाला पॉइंट तो कितना आसान था। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सबको समझ में आया कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों को ध्यान रखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट देता है, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं और इसी में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। नाउ विल सी सेकेंड पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट देखने चाह रहे हैं, ठीक है? बहुत सिंपल है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक होता है नेचर में। अब इसका क्या मतलब है, सेकंड पॉइंट देखिए, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, आपका इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है। जो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पढ़ते हो वो डायनामिक होता है नेचर में। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज सेकंड नंबर पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या है, इन केमिस्ट्री
जो भी इक्विलिब्रियम आप देखते हो वो डायनेमिक नेचर का होता है। अब सवाल है कि डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है। कितने लोगों ने लिखा इसको, राजेश रोशन ने लिखा, नेहा तिवारी ने लिखा, है ना, सिरता ने लिखा, सोनम कटियार ने लिखा, मोनू ने लिखा, और बहुत बढ़िया। तो मैं इसका मतलब समझाता हूं, डायनेमिक का मतलब क्या है। आप पीछे एक डायग्राम है, जरा उसको देखिए, क्या दिख रहा है डायग्राम में। डायग्राम में यह दिख रहा है कि ये बीच में हमारे पास बैलेंस एक एक लकड़ी का टुकड़ा है, जिसपे हमने एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है। अगर हमने यहां पे और यहां पे वेट बराबर रखे हैं तो मे बी ये बैलेंस हो जाए। अब नेट फोर्स इक्वल है, ओवरऑल नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर ओवरऑल लग नहीं रहा है, जीरो है, तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इस तरह के इक्विलिब्रियम को जिसमें कुछ हिलता दिख रहा है क्या आपको। सवाल ये कि क्या इसमें कुछ हिलता दिख रहा है क्या आपको। जब ये दोनों वेट बराबर रखे हैं तो आपको ये बिल्कुल बिल्कुल बीच में एकदम स्टेबल दिखेगा, जिसमें कुछ हिलता हुआ नहीं दिखेगा। इस तरह के इक्विलिब्रियम को जब एक दूसरे को वो बैलेंस कर रहे हैं, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटिक इक्विलिब्रियम। स्टेटिक इक्विलिब्रियम की खास बात क्या होती है कि उसमें किसी तरह का कोई हलचल दिखेगा नहीं। जैसे ही मैं रोप पे ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया, अब मैं नहीं हिल रहा हूं बिल्कुल भी। इन दैट के सारे फोर्सेस ऑलमोस्ट जो फेवर कर रहे हैं, जो रिवर्स में, सब इक्वल हो चुके हैं। इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसमें आपको कुछ हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। और मजे की बात, एक वक्त ऐसा आएगा, इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है, एक वक्त ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी। यही वो वक्त है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। मतलब क्या है इसका, जरा आप खुद ही समझो। इसका मतलब ये है कि उस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर कंटिन्यूसली जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। क्या केमिकल रिएक्शन रुक रही है? नहीं, केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली चल रही है। रिएक्टेंट से कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट बन रहा है। लेकिन मजबूरी यह है कि यहां पर अब ना तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है ना ही प्रोडक्ट की, क्योंकि स्पीड बराबर है बनने की और बिगड़ने की। तो मैं आपको इसका मतलब एक और एग्जांपल से समझाता हूं। इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसमें कुछ हिल नहीं रहा है। एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो कैसे समझोगे, इस एग्जांपल से। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, आप क्या करना, एक बकेट लेना, ओके, उस बकेट के यहां पर नल लगा हुआ है और यहां पर एक और नल लगा हुआ है। पानी यहां से अंदर आता है और यहां से आप बाहर निकालते हो पानी के लिए। पोटी बैठते हो तो कईयों के गांव में लगा होगा ना पोटी बैठते हो, तुम्हें पानी चाहिए, ऐसा इधर से गिरते रहता है पानी और इधर से बाहर निकलते रहता है पानी। पानी को बचा लेना बाय द वे, ऐसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जानते हो, देखे होगा ना आप लोगों ने। सो ये बकेट से क्या एग्जांपल समझ में आता है, जरा ध्यान से इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। क्या है यहां पे, मान लो मैंने इस नल को कर दिया बंद और सिर्फ ये नल चालू है तो बकेट भरेगा, बकेट भर जाएगा। मान लो कि मैंने इस नल को कर दिया बंद और ये नल चालू है तो बकेट में पानी घटेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं इसमें क्या, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं इसमें कि जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, दिमाग लगाना, जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, तो आप मुझे बताइए जरा सब लोग, इस केस में क्या बकेट के पानी के लेवल में चेंज आएगा कुछ? जवाब दो, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मेरा क्या है जरा चेक करना, जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, क्या इस केस में बकेट के पानी में कोई चेंज आएगा? लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। उस बकेट का पानी का लेवल मान लो यहां पर है तो वो यहीं रहेगा, यस, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, लेवल वहीं का वहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। यही है इक्विलिब्रियम, जब आप बकेट का पानी कॉन्स्टेंट हो गया, अब बकेट का पानी चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट हो चुका है, यस, नो चेंज। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, बकेट का पानी अब कांस्टेंट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। लेकिन आप खुद से देखना, पानी नहीं बढ़ रहा है, पानी का लेवल नहीं बढ़ रहा है, यहां पे पानी का लेवल उतना ही है,
लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूसली पानी यहां से झर के अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, मतलब हमें हलचल दिखाई दे रही है। ये स्टेटिक नहीं है, ये डायनामिक है। कंटिन्यूसली पानी अंदर भी आ रहा है, कंटिन्यूसली पानी बाहर भी जा रहा है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? डायनामिक मतलब रिएक्शन चल रही है, बंद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्स्टेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्पीड है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल है। इसी को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल जिससे आप समझ सकते हो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कुछ हिलता हुआ नहीं दिख रहा, सब सारी की सारी चीजें कॉन्स्टेंटली पड़ी हुई है। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि पानी अंदर जा रहा है, दिख रहा है कि पानी बाहर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी लेवल उतना ही है, फिर भी लेवल उतना ही है, उसी को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये हमारा एक और पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऐसा क्यों होता है? लेकिन उसके रीजन, जो पिछला पॉइंट था उसका रीजन यहां पर लिखा हुआ है, आप जरा चेक करो इसके लिए और क्या इंफॉर्मेशन दी हुआ है। नीदर द फॉरवर्ड रिएक्शन नोर द रिवर्स रिएक्शन इज सीज्ड। ऐसा इसलिए हो रहा है केमिस्ट्री में, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कंटिन्यूसली बन रहा है, ये रिएक्शंस बंद नहीं हुई हैं। नीदर द रिएक्शंस एक्चुअली सीज, यानी कि बंद नहीं हुए, ये दोनों रिएक्शन अभी तक चल रही है, स्टॉप नहीं हुई है इक्विलिब्रियम पर। कंटिन्यूसली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नीचे एक और पॉइंट लिखा है, सिंस द केमिकल रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है इसलिए इनको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मतलब ये है, आपको दिख रहा है कि भाग रहा है, भाग रहा है, आपको हलचल दिख रही है, आपको रिएक्शन दिख रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन फिर भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, उसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो दिख रहा है चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी चेंज नहीं हो रहा है, बस, तो इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जरा आप चेक करो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे केमिकल रिएक्शंस की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। थर्ड पॉइंट है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। जब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इन दैट केस सारा, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस कॉन्स्टेंट हो जाती हैं। इसको आप जरा चेक कर लीजिएगा, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस कॉन्स्टेंट हो जाती है। नाउ दिस इज करैक्टरिस्टिक्स नंबर 3, चेंज नहीं होंगी। भले ही केमिकल रिएक्शन चल रही है कंटिन्यूसली, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन क्योंकि आगे और पीछे जाने की रेट बराबर है इसलिए उनकी कॉन्सेंट्रेशंस कॉन्स्टेंट हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज पॉइंट नंबर 3, सबको समझ में आ गया? नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 3, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। ये आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 मैंने बता दिया। ओके, अब हम चलते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। ये पॉइंट जो 3 बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट भी एड ऑन कराता हूं जिससे आपको और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता है समझ में आने लगेगा। लेकिन उससे पहले वो तीनों पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पॉइंट्स को आप एक बार फिर से चेक कर लो। पॉइंट नंबर वन ये है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। इक्विलिब्रियम के टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक होता है नेचर में। डायनामिक का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली आपको दिखेगा कि रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, चल रही है, फिर भी सबकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, ये डायनामिक होता है नेचर में। पॉइंट नंबर थ्री क्या था? एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आर कॉन्स्टेंट। ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में मदद करेंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूं एक एक करके। तो पहला पॉइंट, उसमें वो तीनों पॉइंट भी आ जाएंगे। ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम,
ये हम पहले ही समझ चुके हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ढंग से नोट कर लेना, एक साथ समराइज करा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या बन गया कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर रिएक्टिव प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। नंबर टू, एट इक्विलिब्रियम नीदर द फॉरवर्ड रिएक्शन नॉर द रिवर्स रिएक्शन हैज सीज्ड, बोथ रिएक्शन कंटिन्यूज टू प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल रेट, दस द इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हम समझ चुके हैं, इक्विलिब्रियम के टाइम पर जिस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी तरह से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है सो इन दैट केस आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी रिएक्शंस कंटिन्यूअसली चलती हुई दिखेंगी, इसी को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर टू भी मैं पहले समझा चुका हूं, नाउ विल सी पॉइंट नंबर थ्री। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ईच आर कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम के टाइम पर रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होती है क्योंकि रेट बराबर हो जाती है, चेंज नहीं होगी। ये वही एग्जाम्पल है जो पानी के बकेट का मैंने दिया। दिख रहा है कि पानी अंदर जा रहा है, दिख रहा है कि पानी बाहर जा रहा है, क्योंकि पानी के अंदर आना और पानी के बाहर जाने की रेट बराबर है, इसलिए बकेट का पानी का लेवल चेंज नहीं होगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएंगी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। नंबर तीन, अब हम देखें कुछ और पॉइंट। ये तीन पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं। चौथा पॉइंट जो अभी बच्चा कुछ पूछ भी रहा था, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। मान लीजिए कि आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट को यह नहीं पता कौन कहां जा रहा है, वो दोनों रेट को बढ़ा देगा, तो वो एक्चुअली इक्विलिब्रियम के पॉइंट को क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता है। हां, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश जल्दी हो जाएगा, समझिए मैं दोबारा समझाता हूं। रेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, बिल्कुल सही है। अचानक से बीच में आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट पार्शियलिटी नहीं करता, कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उसी स्पीड से बढ़ा देगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी उसी स्पीड से बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज नहीं होगा। इस चीज को समझिए ना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इक्विलिब्रियम का समय जल्दी आ जाएगा लेकिन इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज नहीं होगा। पॉइंट का मतलब समझिए कि चाहे आप कैटलिस्ट डालो चाहे आप कैटलिस्ट ना डालो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो उतना ही रहेगा। पॉइंट का मतलब ये होता है टाइम जल्दी आ जाएगा। मान लो कि कैटलिस्ट के बिना 10 मिनट में इक्विलिब्रियम आ रहा था तो कैटलिस्ट के साथ 7 मिनट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन पॉइंट वही रहेगा। पॉइंट का मतलब बिना जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बिना कैटलिस्ट के 10 मोल थी। समझ में आता है? मान लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल थे और 10 मोल थी, ये विदाउट कैटलिस्ट है। अगर विद कैटलिस्ट भी करोगे तब भी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 10 ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि वो दोनों की स्पीड को बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? हां, समय जल्दी आ जाएगा। मान लो विदाउट कैटलिस्ट 10 मिनट में खत्म हो रही थी रिएक्शन, तो विद कैटलिस्ट ये कितने टाइम में खत्म हो जाएगी? मे बी 7 मिनट में। समय जल्दी आ जाएगा। आ गया सबको समझ में? ये फोर्थ पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट है कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, समझ में आ गया। नाउ विल सी फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है जरा आप चेक करो। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर वॉल्यूम मे चेंज द इक्विलिब्रियम बट टेम्परेचर ऑलवेज चेंजेस द इक्विलिब्रियम पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, समझिए। यहां पर टेम्परेचर को सर्वशक्तिमान बताया जा रहा है। टेम्परेचर इज बेसिकली सर्वशक्तिमान, मैं लिखता हूं दिस इज सर्वशक्तिमान। मैं क्यों लिख रहा हूं कारण बताऊंगा, दिस इज सर्वशक्तिमान। आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, इक्विलिब्रियम चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। प्रेशर चेंज करो, इक्विलिब्रियम चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वॉल्यूम चेंज करो, इक्विलिब्रियम चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया जो कि सर्वशक्तिमान है तो 100% आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज हो जाएगा, यह सर्वशक्तिमान बताने वाली बात है। और आप ध्यान रखना, आपको ज्यादातर 90% इनफैक्ट मैं बोलूं 99
99% केसेस में कॉन्सेंट्रेशन का नो इफेक्ट, प्रेशर का नो इफेक्ट, वॉल्यूम का नो इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट दिखेगा। इसी से आपके नीट के और जेई के मेंस के सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, आपको दिखेगा ही नहीं इफेक्ट। आप जब प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो टेम्परेचर इज दी ओनली शक्तिमान हु कैन एल्टर दी इक्विलिब्रियम पोजिशंस। अब आप लिख लो, काम आएगा, टेम्परेचर ऑलवेज चेंजेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को टेम्परेचर हमेशा बदल सकता है। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5 है ये, टेम्परेचर ऑलवेज चेंजेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेम्परेचर मतलब सर्वशक्तिमान, समझ में आता है? टेम्परेचर मतलब सर्वशक्तिमान, टेम्परेचर यहां पर सर्वशक्तिमान है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने का तरीका सिर्फ टेम्परेचर है। टेम्परेचर बदल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, सिर्फ टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर। इसलिए कह रहा हूं टेम्परेचर पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू चेंज द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कंडीशंस विल चेंज। ओके, पांचवा पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेंड इन ओपन वेसल। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, क्यों? कारण बताता हूं। ये पॉइंट नंबर 6 है, मान लो कि आपने वेसल को खुला रखा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाया, इससे मान लो कि अमोनिया पैदा हो गई। तो जैसे ही पैदा हुई, वेसल तो खुला है, अमोनिया तो बाहर निकल जाएगी। अब अगर अमोनिया बाहर निकल गई तो क्या, अब अमोनिया तो आजाद हो गई तो क्या वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वापस पैदा कर पाएगी? क्या वो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस वापस आ पाएंगी? नहीं, ओपन वेसल में कोई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस मेंटेन ही नहीं हो पाएंगी। अमोनिया बाहर निकल जाएगी और वापस वो आजाद अगर हो गई एक बार तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो नहीं बन पाएगा। आ रहा है समझ में? सो ये ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन वेसल में आप कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। अगर आपको इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है तो आपका कंटेनर बंद होना चाहिए, बंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपका कंटेनर बंद होना चाहिए। चलो, सबको समझ में आया? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है, इट इज अ स्टेट ऑफ मिनिमम गिब्स एनर्जी। और ये मैंने पहले भी कहा था आपसे जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम क्यों एस्टेब्लिश होता है? क्योंकि वहां पर गिब्स एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है और डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन करिए। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको कहा था कि इक्विलिब्रियम क्यों एस्टेब्लिश होता है, व्हाई? क्योंकि इस टाइम पे गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होता है और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। जिस स्पीड से रिएक्टेंट बन रहा है उस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ओवरऑल एनर्जी में चेंज होएगा नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो चुकी हैं। अरे जब कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तब एनर्जी चेंज होगी ना, तो कांस्टेंट हो चुकी है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? जीरो। और उस टाइम पे जी का वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की मिनिमम होती है।